गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे वी विल लर्न चैप्टर 4 और नेशनल सिंबल्स। बच्चों, ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 में हमने और नेशनल फ्लैग के डिटेल्स पढ़ा था, याद आया ना? हमने अपने नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ा था। आज हम नेशनल एम्ब्लम के बारे में पढ़ेंगे। और नेशनल एम्ब्लम, लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। ये पिक्चर ध्यान से आप देखेंगे। दिस इज अवर नेशनल एम्ब्लम, ये हमारा नेशनल एम्ब्लम है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द आयरन पिलर एट सारनाथ, बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। ये कहाँ पे बिल्ट है भाई? आयरन पिलर सारनाथ में, सारनाथ के आयरन पिलर में ये बना हुआ है। और ये अशोक, सम्राट अशोक के टाइम का बना हुआ है। बिलो इट इज रिटन सत्यमेव जयते, नीचे में इसके लिखा गया है सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रुथ सेल ऑलवेज ट्रम्प्स, जिसका मीनिंग होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। ट्रुथ सेल ऑलवेज ट्रम्प्स। लुक एट दिस पिक्चर गिवन एंड टेल, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाउ मेनी लायंस आर देयर इन आवर नेशनल एम्ब्लम, कितने लायन हैं नेशनल एम्ब्लम में? देखें, 1, 2, 3, हमको तो 3 दिख रहे हैं, बट ये कितने हैं? 4। एक इस सामने वाले लायन के पीछे में भी एक लायन है, तो कितने लायन हुए? 4 लायन। तो देयर आर 4 लायन इन आवर नेशनल एम्ब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन स्टैंड्स कॉमन इन आवर नेशनल फ्लैग एंड एम्ब्लम, कौन सा साइन है जो कॉमन है नेशनल फ्लैग और नेशनल एम्ब्लम में? आपने नेशनल फ्लैग देखा ना, कल हमने डिटेल पढ़ा था, और उस वैसा ही इसमें कुछ दिख रहा है आपको नेशनल फ्लैग के जैसा ही? कौन सा चीज कॉमन है? देखिए, ये क्या है? अशोक चक्र है ना, तो दोनों में ही अशोक चक्र है, ये उसका दोनों का कॉमन हुआ। Which two animal can you see on both side of the wheel in the national emblem? आप national emblem को ध्यान से देखें, कौन से दो animal हैं जो दोनों side में हैं? देखिए, ये क्या है? Bull और ये horse है ना, तो ये दोनों animal होते हैं। Where else have you seen the national emblem? आपने नेशनल एम्ब्लम और कहाँ देखा है? सोचिए तो, और कहाँ कहाँ देखा है ये नेशनल एम्ब्लम? आपने रुपी देखा है नोट में, क्वाइन में, और जो भी गवर्नमेंट के पेपर होते हैं ना, उनमें भी ये बना होता है ना। On a 1-5 rupee coin, see the side with the impression of a lion. How many lion can you see? है ना, सब में कितने lion दिखते हैं हमको? 3 lion ही दिखते हैं ना, लेकिन actual में वो 4 होते हैं। There are 4 lion in our national emblem, but only 3 can be seen. सिर्फ हम 3 को देख पा रहे हैं, चौथा पीछे है जिसको कि हम नहीं देख पा रहे हैं। To understand this, let us do an activity. इसको समझने के लिए आप एक्टिविटी करेंगे। देखिए कैसा है एक्टिविटी। One of you should stand in a place. एक है ना, एक सबसे पहले सामने में स्टैंड खड़ा होगा। In front of him, her, at a little distance away. और उसके सामने ना
थोड़े डिस्टेंस के बाद फोर ऑफ योर अदर फ्रेंड्स शुड स्टैंड विद देयर बैक्स टू ईच अदर. फोर स्टूडेंट खड़े होंगे. तो बच्चों यहाँ पे आप स्टूडेंट तो आप लोग स्कूल तो आ नहीं रहे हैं, नहीं तो ये एक्टिविटी हम आप लोगों से करवाते, लेकिन आप अपने भाई बहन के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना. अपने फ्रेंड और भाई बहन के साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं और देखेंगे कि फोर स्टूडेंट जब सामने में एक दूसरे के पीठ करके खड़े होते हैं, फिर देखना कि सामने वाले से पूछना, नाउ आस्क योर फ्रेंड स्टैंडिंग अलोन हाउ मेनी फेसेस कैन बी सी. तो देखना कि उनसे पूछना कि कितने फेस दिख रहे हैं. तो आपको तो सामने में से जैसे ये एम्बलम है ना, सेम ऐसे ही दिखेंगे तीन फेस, एक तो पीछे है, बैक में है ना. फिर इस तरह का एक्टिविटी आप कर करके दूसरे बच्चों को भी सामने में लाते जाएंगे और पूछते जाएंगे तो तीन ही दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में होते कितने हैं ये समझाने के लिए ही ये एक्टिविटी आपको करना है. और बच्चों आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो हमको तीन क्यों दिखता है ना. तो ये एक्टिविटी आप करेंगे, अपने मम्मी पापा से भी हेल्प लेकर ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों. तो आज हमने क्या पढ़ा, नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ा. इससे आप लर्न करेंगे, रीड करेंगे और ये इंटरनल क्वेश्चन को भी आप रीड करेंगे, लर्न करेंगे और राइट करेंगे. ओके, बाय.